शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ए गोटिया, नानजी भाई का नया भर्ती आया है, इसको माल और रोकड़ा देने का है। चले, ये माल है और ये रोकड़ा, संभल के। चल। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। किधर से लाके देगा बाबा वो तोतला सांड को पैसा, किधर से लाके देगा तू? गुनेगार हूं ना मैं आपका? अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। तो आपका धोती बेचेगा मेरा? हर इंसान के पास दो किडनी होती है, तो? लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। अपना किडनी बेचेगा, अपना आंख बेचेगा? हे देवा, देव दे, देव मानुष निकला रे तू देव। मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। छोड़ना मत इसको, मर्डर कर देना इसका। तुम मेरे को मारेगा, तुम मेरा बहू भैया, बहू भैया लग जाएगी। क्या कर रहे हो? मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या कर रहे हो? मर्डर हो जाएगा, मजाक कर रहा था बहू भैया। अरे टमाटर है बाबू भैया, टमाटर है। इसके मुंह में मारो। चलो शांत हो जाइए, चलिए चलिए आप बाबू भैया, चलिए लेके जाओ भाजी वाला, लेके टमाटर का चटनी दिखा दे कूतरे। गोली मार दिया था वैसा मैं फादर इंडिया बन के साला राज को उड़ा दिया था। आप बंदूक हटाइए, शांत हो जाइए आप। एक्सक्यूज मी यंग मैन, ये रंगीन चद्दर कौन है रे बाबा? पता नहीं। हाँ, मैं देवदास हूँ। परु पार नहीं रे पीटर, तेरे को नानजी के यहाँ राणा बना के भेजा था मैं, तो क्या उसने रानी बना के भेज दिया? छिछोरे बने क्या कर रहा रे? बहुत खतरा है वो नानजी भाई के कबूतर इधर उधर घूमता रहता है, अगर किसी को पता चल गया मैं इधर आया हूँ तो मेरे गेम बचा देंगे। अबे नानजी से इतनी तरक्की तो यहाँ जग मार रहे। नानजी भाई का खजाने का पता चल गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। माल की देर है, चलिए जरा बता। खेतवाड़ी पुलिस चौकी के ऊपर एक टेरेस फ्लैट है, वहां मैंने अपनी आंखों से देखा, जूते के बॉक्स में करोड़ों में रुपया भरा के रखा है, दो बैग में कम से कम 3-4 करोड़ होंगे। ये हुई ना बात, कल दोपहर को करोड़ों रुपया उधर से उड़ा के इधर, और उसके बाद अब नानजी भाई से भी बड़े भाई बन जाएंगे। भाई भाई अब कमाल है, भाई कमाल है, कमाल। कांजी नानजी को नानजी बनाने वाला कौन है? आप ना भाई, आप भाई। मेरा 50% डोंट फॉरगेट। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग बेलिची नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलग ला, बेलिची नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला। भाई मेरे को लगता है लड़की सीटी मार रही है। अबे पीएल हम लोग चढ़ी तेरे को है, ये ड्रेस पहना है ना, अभी तो खाली सिटी मार रही है, निकल लेने से झाड़ू मारेगी। फर्स्ट क्लास खाली खाली हो गया रे, फर्स्ट क्लास। भैया मेरी बात सुनो, इधर आओ।
चलो उधर। नहीं मेरे को किडनी नहीं बेचने का है। अरे आपकी किडनी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मेरे को आंख नहीं बेचने का है। आंख और किडनी नहीं चाहिए। आप लोग चलो मेरे साथ। नहीं चलो मेरे को किडनी नहीं चाहिए। जल्दी आओ कम ऑन। एक ऐसी बात सुनी है मैंने कि सुन के तुम लोग पागल हो जाओगे। कौन से रेडियो पे सुना रहे तुमने? अरे रेडियो स्टेशन पे नहीं, वो अपना बाजू वाला नहीं है मुन्ना। धोतर चोर नहीं, कसम से बोलता हूँ गुरु घंटाल आदमी है। मैंने खुद अपनी आंखों से अपने कानों से सुना है। उन लोग बात कर रहे थे कम से कम 4 करोड़ रुपए चोरी करने की बात कर रहे थे। चोरी करके वो लोग अपने बाजू वाले कमरे में लाने वाले। तो जाके पुलिस स्टेशन में बताना हमें यहाँ ऊपर क्यों लाया। अरे मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या है ना मालूम आपको, वो मुन्ना और उसके आदमी जब चोरी करने के लिए घर से निकलेंगे ना, अपन चुपचाप बेस बदल के उसके रूम में जाके बैठ जाएंगे। जैसे उन लोग माल लेकर आएंगे ना, सामने बंदूक रख देंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाता तो कितना बचेगा अपने पास? 360। हिसाब बराबर याद रखते हो। 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 30 जन हिस्सा कर लेंगे। और ये शेह छोड़ के ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में केस करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? बकवास कर रही है। हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? बाबू आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। अरे पहले हम लोग क्या कम फंसे हुए हैं? वो लोग 40 लाख मांगेंगे तो कहाँ से 40 लाख देंगे उनको? बाबू भैया वो काला सांड और वो कुतुब मीनार जब पैसे मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? पप्पू की बहन को क्या जवाब देगा? खुदकुशी करेगा यहाँ से? मर्डर करूंगा तेरा। बाबू यार मैं तो बोलता हूँ फसाद की जड़ को, बर्बादी की जड़ को नीचे फेंक देते हैं। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, ऊपर से नीचे, नहीं बचूंगा, फेंक दो मुझे, फेंक दो, फेंक दे। मेरे को मारकर तुम लोग भी नहीं बचने वाले। अरे आप तो समझदार है, समझाओ इस बेवकूफ को। मैं समझता हूँ रे बाबा। क्या समझते हैं आप? आप ठीक से समझिए, ये हमें डाका डालने के लिए समझा रहा है, फिर कल कहेगा कि उसका खून भी कर दो। बराबर। अरे खाक बराबर है। मैं मंदिर से चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो चोर के घर से चोरी करने को बोल रहा हूँ, खून करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। तू समझा श्याम, ये खून करने को नहीं बोल रहा है रे। बाबू भैया गलत रास्ता है ये। यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है, मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है बाबू भैया। नहीं यही सही रास्ता है। सही रास्ता? अरे कैसे सही रास्ता है? मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? तू बंदूक कहां से लाएगा राजू? उसकी फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त करेगा, उसकी फिक्र मत कर। जी इस किताब में जो बंदूकें हैं ना, वो सब 15 बंदूकें एक येड़े पारसी के पास हैं, और वो 3 खास बंदूकें भी सेठ जी, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की कीमत है। धन्यवाद सेठ जी। तेदी मैं तो बोलता हूँ तब तक पैसे नहीं आते, इतने तो नहीं तोलते, क्या बोलते हो? ठीक है लेकिन थोड़े उत्पाद भी होती बंदूक पे तो पता चला। तेदी ओ बालती ताला मुंबई में और 15 बंदूकें भी इतने पाते, लेकिन ताले का तो आता पता नहीं है। अरे तो सो ढूंढो, मुझे सपने में पारसी नजर आता है, बंदूकें नजर आती है। पारसी बंदूकें? सेठ जी अगर उस पारसी से मैं वो 15 बंदूकें ला के दूं तो? तू जल्द से ला दे। सेठ जी ये मेरी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ मुझे 2 दिन का मौका दीजिए, मैं आपको ला के दूंगा। ठीक है अगर तू वो 15 बंदूकें मुझे ला कर दे दा तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। देखो बंगले के अंदर पारसी सोया हुआ है, उसको जगा लेगा। उसके पास 15 बंदूकें हैं। 15? उन बंदूकों को फटाफट उठा के लाना है। हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म निकाल जल्दी। ये ले। ढाल ढाल। और एक मिनट। मस्त है चल। कौन है? क्या करता है?
और 17। क्या बात कर रहा है 17 गन और यह 3 20। लेकिन पप्पू ने तो 15 बोला था। आइडिया, 15 की जगह पे 17 दे डालते हैं उसको, 2 एक्स्ट्रा, वो खुश हो जाएगा। और सुन, ये 3 है ना, हम लोग चोर बाजार में बेच डालते हैं 50-50, क्या बोलता है? लेकिन पप्पू को बोलना मत। नहीं बोलूंगा। हलाम दादे, कहाँ है वो 3 बंदूक? कौन सी 3 बंदूक? आपने 15 बोली, मैं 17 लाया। अबे ये 3 बंदूक किधर है? अबे ये 3 बंदूक इंटरनेशनल मार्शल में सलोर होती थी, बता किधर है? अबे बोल किधर है? तेरे को तो गाली डालूंगा। मैं लाता हूँ सर जी, मैं लाता हूँ। एक और एक 11। टीचर का नहीं सुनने का वो पागल है। बंदूक किधर है? ये स्कूल में जाएगा ना तो ऐसा हालत होएगा, खुद के पास बंदूक और हमको पूछता है बंदूक किधर है। ज्यादा नौटंकी मत कर साले, 6 की 6 गोलियां घुसूंगा पेट में। वो 3 बड़ी वाली बंदूकें कहाँ है? वो हाँ, वो तो मैंने बेच डाली भाई। क्या बेच डाली? हाँ। तेरे को किसने बोला था ये बंदूकें बेचने के लिए? तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तेरे को डबल चाहिए, ट्रिपल, जितना चाहिए सब दूंगा। लेकिन वो तूने बंदूक किसको बेची? अभी वो रहता कहाँ है मुझे कैसे मालूम? राजू, ये असली है या नकली? असली है यार। क्या बात कर रहा है? ये अंदर गोली है क्या? क्या है? बहुत अंदर है, लेकिन बहुत अंदर है। ये गिरा क्या? गिरा है? अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं गिरा। अरे साला गिरा हो तो ऐसा 2-4 फेंक के मार दूंगा। अरे जो भी है, ये बंद तकदीर का ताला खोलने वाली है। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। चोर के घर में चोरी। अरे होगी फिर हेरा फेरी। <रुणा। laughs>